दिल्ली में विधायकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा के विधायकों की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 11 साल बाद विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने बीते साल सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार को भेजा था, जिस पर केंद्र ने विचार करके सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। बता दें कि इससे पहले साल 2015 में दिल्ली सरकार ने केंद्र को सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया था। हालांकि केंद्र ने कुछ सुझाव दिए थे, जिन पर विचार करके दोबारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। केंद्र की मंजूरी के बाद अब दिल्ली के विधायकों को बेसिक वेतन के रूप में हर महीने 12,000 की जगह 30,000 रुपए मिलेंगे। विधायकों की सैलरी के अलावा अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है। सैलरी और सभी भत्तों को मिलाकर विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे, जो कि अब तक सिर्फ 54,000 रुपए मिलते थे। देश के सभी विधानसभाओं में मिलने वाली विधायकों के वेतन से दिल्ली का वेतन कम था। बता दें कि 2011 के बाद यानी 11 साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब आपको बताते हैं दिल्ली के विधायकों का वेतनमान। बेसिक सैलरी 12,000 से बढ़कर 30,000, चुनाव क्षेत्र भत्ता 18,000 से 25,000, सचिवालय भत्ता 10,000 से बढ़कर 15,000, टेलीफोन भत्ता 8,000 से बढ़कर 10,000, वाहन भत्ता 6,000 से बढ़कर 10,000, कुल 54,000 से बढ़कर 90,000। इसके अलावा जब विधानसभा चलेगी तो उस समय रोजाना का अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। बता दें कि कई साल से दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने की मांग थी, जो कि अब जाकर पूरी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।